नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स विन प्रोडक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं लेजेंड्स लीग T20 का फर्स्ट क्वालिफायर मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा मणिपाल टाइगर्स वर्सेस अर्बन राइजर्स हैदराबाद के बीच। डिप्लास करेंगे पुल स्टेप धनपुर। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर स्टेप बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ भी हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के साथ साथ हम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट देते हैं। बाकी कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फ्रेंडशिप इन प्रोडक्शन का चैनल मिल जाएगा। 25,800 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। अब दोस्तों बात करें मैच की, तो मैच अब से कुछ देर बाद शाम में 6:30 से शुरू होगा। और दोस्तों मैच होने वाला है लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर क्रिकेट स्टेडियम बेसू सूरत के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं की पिच की, तो दोस्तों लेजेंड्स लीग का इस ग्राउंड पे पहला मैच होने वाला है। विकेट दोस्तों यहाँ का बैलेंस होता है, लेकिन बैटर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। आपने एक चीज़ गौर की होगी, लेजेंड्स लीग के मैचेस कई वेन्यू पे खेले गए, लेकिन जिस भी वेन्यू पे मैचेस हो रहे थे, तो शुरुआती मैचेस हो रहे थे ना, शुरुआत के एक दो मैचेस वो एकदम हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे थे, लेकिन जब वो पिच बार बार रीयूज हो रही थी तो फिर धीरे धीरे विकेट स्लो डाउन हो रहा था। तो इस ग्राउंड पर पहला मैच है, तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला इस मैच में देखेंगे आप। 160 से 180 की रेंज में आराम से स्कोर देखेंगे। दोस्तों इन्हीं दोनों टीम्स के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच होना था, लीग स्टेज का, लेकिन वो मैच बारिश के कारण अबाउंडेड हो गया था। दोनों टीमें उस मैच से पहले ही ऑलरेडी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। दोनों टीमें पॉइंट टेबल पे टॉप पे फिनिश किया इन दोनों ने, तो इन दोनों का ये पहला क्वालिफायर मैच है। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधे और सीधे डायरेक्ट फाइनल में अपनी जगह बना लेगी, और जो टीम हारेगी तो कल जो दूसरा मतलब कल जो एलिमिनेटर मैच होगा, एलिमिनेटर होगा गुजरात जायंट्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच, तो उसमें से जो विनर होगी उससे आज की हारने वाली टीम मैच खेलेगी, और जो आज जीतेगी सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। तो दोनों टीमें अपना बेस्ट लाइनअप इस मैच में खिलाने वाली हैं, और इस मैच को जीत के सीधे फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। दोस्तों जो आखिरी मुकाबला हुआ था इन दोनों का, उस मैच से पहले एक मैच के लिए रेस्ट दिया गया था रॉबिन उथप्पा, और यहाँ से आपको नीचे दिखेंगे हैमिल्टन मासकजादा को। इन दोनों क्यों रेस्ट दिया गया था, क्योंकि इनकी टीम लास्ट मैच से पहले ही ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, बस यही कारण था। इस मैच में आपको इन दोनों को वापसी हुई लगभग कन्फर्म देखेगी, आप इन दोनों को भी आंकड़े देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 मैच खेले उथप्पा ने, 11-21 किया, वहीं मासकजादा ने 26-37 किया, 3 मैच का परफॉर्मेंस है। ओवरऑल T20 में 34 का एवरेज, इनका 28 का एवरेज है। दोनों अपना आखिरी मैच नहीं खेले थे, लेकिन आपको ये दोनों इस मैच में वापसी करते हुए देखेंगे। और बाहर दो कौन जाएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर रॉबिन थप्पा की जगह इस टीम के जो ओपनर लास्ट मैच में खेलते काइट क्वार्टर, ये बाहर जा सकते हैं, जिनका बिल्कुल भी कुछ खास पहुंच देखने को नहीं मिला। 2 मैच खेले हैं सिर्फ, और 9-10 का स्कोर किया, तो इनकी जगह आ जाएंगे यहाँ से रॉबिन थप्पा। और आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे होंगे मोहम्मद कैफ या फिर एंजेलो परेरा, इनमें से किसी एक की जगह आपको बैटिंग में आते हुए देखेंगे हैमिल्टन मासकजादा, जो कि नंबर 3 पे खेलेंगे। उथप्पा जैसे ही वापस आएंगे तो आपको सीधे सीधे बता दूं, चैडविक वाल्टन और उथप्पा ओपन करेंगे, जो कि टूर्नामेंट के शुरुआत में मणिपाल टाइगर्स के लिए ओपन कर रहे थे। फिर नंबर 3 पे हैमिल्टन मासकजादा बैटिंग करेंगे, फिर नंबर 4 पे आते हैं ग्रांड डोम, फिर उसके नीचे अमित वर्मा खेलते हैं तो ये आएंगे, फिर इनकी जगह परेरा खेलेंगे तो ये आएंगे। तो मतलब फिर एक एक पोजीशन सबका बैटिंग ऑर्डर नीचे चला जाएगा, तो इनका कुछ बैटिंग ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर जो मैंने प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, लास्ट मैच के बेस पर लिखा हुआ है, लास्ट मैच में जो लाइनअप इन्होंने खिलाया था 99% चेंजेस है, उथप्पा चांसेस है, उथप्पा और हैमिल्टन मासकजादा आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। वो दोनों नहीं खेलते तो फिर यहाँ पे जो मैंने प्लेइंग 11 मेंशन कर रखा है, फिर यही लाइनअप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चांसेस है दोनों को खेलना चाहिए। काइल क्वार्टर के बहुत कम चांसेस हैं, खेलेंगे भी तो एवरेज ऑप्शन नहीं, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। वाल्टन आपकी टीम में मस्ट पिक रहेंगे, यदि उथप्पा नहीं खेलेंगे उस कंडीशन में कीपिंग करेंगे, उथप्पा खेलेंगे तो बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। जो 3 मैचेस खेले हैं 23-104 और 17 का स्कोर किया है, एक मैच उन्होंने मिस किया था, बाकी अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज से आते हैं, T20 के अच्छे पावर हिटर हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि हैमिल्टन में ज़्यादा खेलेंगे तो ग्रांड होम नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे, नहीं तो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। लास्ट मैच में यहाँ पे उन्होंने 58 रन का स्कोर किया, और बीच में जो मैचेस खेले थे 1-6-8 किया था, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रह रहा था। यदि नीचे खेलेंगे तो थोड़ा सा एवरेज हो जाएंगे, टॉप ऑर्डर में होते हैं तो ही अच्छे पिक रहेंगे। अमित वर्मा लास्ट गेम खेले थे 48 रन किए, यदि इस मैच में हैमिल्टन मसक ज़्यादा आएंगे तो ये बाहर भी जा सकते हैं, नहीं भी बाहर जाते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एवरेज है, बॉलिंग नहीं करा रहे तो एवरेज ऑप्शन है, यदि बॉलिंग करते तो अच्छे पिक रहते। एंजेलो परेरा की बात करें,
047 के ओवर 3 मैच खेले हुए हैं, खेलते हैं तो आप जीएल रोटेट कर सकते हैं, नहीं यदि हो सकता है इन्हीं की जगह हैमिल्टन मशक ज़्यादा आपको प्लेइंग 11 में नजर आए। कैप का दोस्तों मेरे हिसाब से खास पिक नहीं रहेंगे, T20 के कभी भी उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं रहे हैं, इनका कैरियर स्ट्राइक रेट ही 100 के करीब है और बाकी मेरे हिसाब से आप छोड़ने का रिस्क आसानी से ले सकते हैं। और ज़्यादातर क्रिकेट खेलते भी नहीं है, सिर्फ लेजेंड्स लीग में ही खेलते हैं, 2-7 का स्कोर उन्होंने किया हुआ है। नीचे की थिसारा परेरा जो अभी लंका प्रीमियर लीग के अंदर भी खेल रहे थे और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा किया है, लास्ट गेम में 31 रन किए, उसके पहले 13-6 और 32 का स्कोर करा हुआ है, बॉलिंग भी 2-3 ओवर के आसपास डाल रहे हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप चाहो तो बना सकते हो। इमरान खान नजर आएंगे जो कि लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाला, उसके पहले 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, टोटली 8 विकेट अब तक निकालने में सफल रहे हैं 4 मैच के अंदर, और बॉलिंग 4 ओवर की हर मैच में डाल के जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। मिचेल मैकलाघन की बात करें, लेफ्ट आर्म पेसर है, न्यूजीलैंड से आते हैं, लास्ट गेम में 4 ओवर जरूर कराए, जहाँ पे 1 विकेट मिला, उसके पहले 2 और 3 ओवर डाल रहे थे, तो थोड़ा आप जीएल पे ही ट्राई करिएगा, कभी कभी ओवर कट जाते हैं, एक ही गेम में उन्होंने अब तक 4 ओवर डाला है। हरभजन सिंह की बात करें, लास्ट गेम में 1 विकेट, उसके पहले 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हर मैच में इनका भी बढ़िया पहुंच रहा है, ओवरऑल 5 विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन 4 ओवर ये भी करके जा रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से ये भी अच्छे बॉलर हैं और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हरभजन सिंह के पास, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मुझे जरूरत है नहीं, हर कोई जानता है, बढ़िया बॉलर हैं, जरूर लेके जाएं। प्रवीण गुप्ता भी अच्छे लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स है, लास्ट गेम में 2 विकेट, उसके पहले 2 विकेट 1 विकेट, और नीचे की दोस्तों पंकज सिंह जो कि 12th man है और उन्होंने लास्ट गेम खेला जहाँ पे 2 विकेट निकाले। यदि पहले टीम बॉलिंग करेगी तो यहाँ पे आपको पंकज सिंह नजर आएंगे, और यदि टीम पहले बैटिंग करेगी तो हो सकता है पंकज सिंह और प्रवीण गुप्ता में से एक ही प्लेइंग 11 में नजर आए, एक की टीम सब्स्टिट्यूट में रख दे, बाद में उनको ले आए, तो ऐसा कुछ रहेगा। यदि हम बात करें मेन बॉलर्स की, तो यहाँ पे आपको जो मेन 5 बॉलर दिख रहे हैं मैं आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, ऐसे इमरान खान हो गए, मैकलाघन हो गए, हरभजन सिंह हो गए, 3 ये हो गए, 4th bowler हो गए प्रवीण गुप्ता, 5 हो गए पंकज सिंह, इनमें से किसी को ओवर कटेंगे तो 6th bowler के रूप में टीम थिसारा परेरा का यूज कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों ये दोनों की, तो मैं आपको बता दिया ऐसे उथप्पा और हैमिल्टन मशक इस मैच में खेलते हुए आपको देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे अर्बन राइजर्स हैदराबाद की, लेकिन जो मेरा फाइनल अपडेट होगा, जो मेरी फाइनल टीम होगी टॉस के बाद बनेगी, मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट लिंक मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, और लेडियो में दोस्तों 25,800 दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, जुड़ा बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन वाले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों जो अर्बन राइजर्स हैदराबाद है ना, 5 में से 3 मैच जीते हैं, 1 मैच आ रहे हैं, 1 मैच लास्ट मैच जो दोनों टीम का हुआ था ग्रुप स्टेज का वो कैंसिल हो गया, दोनों टीमों ने सेम फिनिश किया था, इसी वजह से पॉइंट टेबल में पैर और दूसरे पोजीशन पे थे। इस टीम के लिए आपको ओपन करते हुए देखेंगे ड्वेन स्मिथ, और इनके साथ ओपन करने आएंगे मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल टीम पहले बैटिंग करती है तो प्लेइंग 11 में नजर आते हैं, टीम पहले बॉलिंग करती है तो सब्स्टिट्यूट मेंशन रहते हैं, सेकंड टीम में खेल जाते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है गप्टिल का। गप्टिल का पहुंच देखिए 18-1-2 और 46 किया हुआ, एक ही अच्छा स्कोर आया है। यदि आप डोन स्मिथ का देखेंगे 25-50-3 और 15 किया हुआ, जिसमें 1.50 स्कोर है, 25 भी ठीक है, तो दोनों ही मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अच्छे पावर हिटर हैं और ऐसे पिच पर रन बना सकते हैं, बड़ा मैच है, डोन स्मिथ तो अच्छा खेले हैं। मार्टिन गप्टिल देखिए इस साल CPL भी खेले थे, तो मतलब अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लेजेंड्स लीग खेलते हैं, बाकी भी सारे लीग्स खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से आप गप्टिल को भी अपनी टीम में रखिए, बैक करिए, बड़ा मैच है और बड़े मैच के प्लेयर हैं। तीसरा बैटिंग ऑर्डर रहेगा रिकी क्लार्क का, जो लास्ट गेम खेलते हैं जहाँ पे 73 रन किए, तो हो सकता है इस मैच में आपको फिर से खेलते हुए नजर आए, वैसे हैं तो एवरेज बल्लेबाज, भले ही लास्ट गेम में अच्छा खेल दिया, आप आंकड़े देखिए 172 गेम में सिर्फ 21 का बैटिंग एवरेज है, 2300 रन है और सिर्फ 113 विकेट है, बॉलिंग कराते तो इंपॉर्टेंट रह रहे, बॉलिंग नहीं करा रहे तो मुझे थोड़ा सा एवरेज रख रहे हैं, इनसे अच्छा आप किसी ऐसे प्लेयर को ट्राई करें जो अच्छे पावर हिटर हो, ये उतने बड़े पावर हिटर नहीं है। बात करें दोस्तों यहाँ पे गुरकीरत सिंह मन की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं आजकल, पार्ट टाइम ही डालते हैं, बाकी बतौर बल्लेबाज खेलेंगे नंबर 4 पे। अब जो 4 मैच खेले हैं 19-22-89 और 0 का स्कोर किया, एक ही अच्छा स्कोर आया है, ट्राई कर सकते हैं, IPL के इनके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है, आपको नंबर 4 खेलते हुए नजर आएंगे। निचले किंग सुरेश रैना 6-13-46 और 10 का स्कोर किया हुआ, 32 का टी20 में एवरेज है, मिस्टर IPL भी नहीं कहा जाता था, IPL के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हुआ करते थे अपने टाइम में, लेकिन बस एक ही कारण है ना, सिर्फ लेजेंड्स लीग में खेलते हैं, कभी कभार T10 लीग खेल लेते हैं, बाकी नहीं क्रिकेट खेलते, और अभी तक सिर्फ एक ही 46 को छोड़ दिया जाए तो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर ले सकते हो, ठीक ठाक से ही पिक रहने वाले हैं। आशाकर अफगान को टीम ने लास्ट गेम में खिलाया था जहाँ पर 4 ओवर से बॉलिंग कराई गई, हालांकि यदि खेलेंगे तो मान के लिए बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, टीम लास्ट मैच में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट किया, बाकी ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और एक बैटिंग ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन है आप कह सकते हो, अपने करियर में 122 टी20 में सिर्फ 3 ही विकेट निकाले थे और 27 के अवसर से 2700 रन, तो बल्लेबाज अच्छे हैं, बैट फर्स्ट करें तो ट्राई कर सकते हैं। पीटर टर्गो की बात करें, लास्ट गेम में अफगान ने 4 ओवर डाल दिए, इसीलिए पीटर टर्गो को 2 ओवर मिले और 2 ओवर यहाँ से शूट में निकट गए, लेकिन यदि अफगान बॉलिंग नहीं करते तो दोनों आपको 4-4 ओवर डालते हुए नजर आते, आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। पीटर टर्गो का लास्ट मैच के पहले देखिए 3 ओवर 4 ओवर 3 ओवर, मतलब ये 3 से 4 ओवर डाल ही रहे थे, 59-36-17 का बैटिंग स्कोर, 2 विकेट 1 विकेट, तो बढ़िया परफॉर्म कर पीटर टर्गो ने, कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन आएंगे, टीम बैटिंग फर्स्ट करे सेकंड करे, और यदि असगर अफगान नहीं खेलेंगे तो आपको नंबर 5-6 के आसपास भी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, तो बढ़िया ऑलराउंडर है, CBC के अच्छे ऑप्शन है, स्टुअर्ट विनी नीचे आकर हिटिंग कर सकते हैं, प्लस 3 से लेकर 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे। लास्ट गेम में 2 ओवर डाला, उसके पहले 4 ओवर 3 ओवर 3 ओवर, तो ठीक ठाक तरीके आपके लिए रहने वाले हैं। अमित पौनिकर
मेरे हिसाब से आप आसानी छोड़ सकते हो, सिर्फ कीपिंग करा रहे हैं। कृष्ण मुखू की बात करें, ये जिम्बाब्वे के बॉलर है, 4 ओवर लगातार डाल रहे हैं, तो आप इनको भी ट्राई करिएगा। टोटल 6 विकेट निकाला हुआ है और आपको अपने 4 ओवर पूरे डालते हुए दिखेंगे। पवन सुहैल का भी आप पहुंच देख सकते हो, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, ये भी बढ़िया पेसर है। बॉल फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सदाब जकाती की बात करें, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स लास्ट गेम में खेले थे, जहाँ पे 1 विकेट निकाला। टीम पहले बॉलिंग करेगी, 12th मैन आप कह सकते हो सदाब जकाती हैं, जो कि पहले आपको पहली टीम पहले बॉलिंग करेगी तो प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। यदि टीम पहले बैटिंग करती है तो इनकी टीम में गप्टिल प्लेइंग 11 में रहेंगे और सेकंड इनिंग में आपको सब्स्टिट्यूट से बॉलिंग करने जकाती आपको दिखेंगे। तो ये प्लेइंग 11 इनका रहेगा और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग इनका रहना चाहिए। ये तो अपने बैटिंग ऑर्डर में कोई ज़्यादा चेंजेस करेंगे नहीं, इसी लाइनअप से ही लोग पूरा टूर्नामेंट खेले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी टॉस के बाद ही बनेगी, आपको पता है, तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। खास करके दोस्तों मणिपाल टाइगर्स के लास्ट मैच में 2 बड़े प्लेयर नहीं खेले, उथप्पा नहीं खेले और हैमिल्टन मसल ज़्यादा नहीं खेलेंगे। वो दोनों खेलेंगे तो उनको टीम में रखेंगे, नहीं खेलेंगे तो उनको टीम से निकालेंगे। बाकी 25,800 ज्यादा दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम अपने अपने आकर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पहले कमेंट में लिंक है। इफ आप टेलीग्राम पर अपने सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए RealFWP, आपको चैनल मिल जाएगा फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 25,800-25,900 के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल ही आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि वही हमारा रियल चैनल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों कीपर लेके जा रहा हूँ, चौधरी वाल्टन तो खेलेंगे ही, तो मस्ट पिक है। उथप्पा लास्ट गेम नहीं खेले थे लेकिन इनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि भाई क्वालिफायर का मैच है, बड़ा मैच है, तो अपने बेस्ट लाइनअप के साथ मणिपाल टाइगर्स जाएगी, तो इसलिए मुझे पता है उथप्पा को खेलना चाहिए 99% में से करूँ, बस यही कारण मैं दोनों को अपनी टीम में कवर कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, उसमें से दोस्तों यहाँ पे जो 2 प्लेयर ऊपर दिख रहे हैं, दोनों लास्ट मैच खेले थे, रैना भी खेले थे और मार्टिन गप्टिल भी खेले थे, दोनों ही खेलेंगे इस मैच में। अब देखिए गप्टिल यदि टीम पहले बैटिंग करेगी तो प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, यदि पहले बॉलिंग करेगी तो सब्स्टिट्यूट में सेकंड टीम खेलने आ जाएंगे, तो इसलिए मुझे लग रहा है गप्टिल को खेलना चाहिए, मैं लेके जा रहा हूं। तीसरा दोस्तों हैमिल्टन मसल ज्यादा के लिए 22% सिलेक्शन है, ये भी जो 3 मैच खेले थे शुरुआत के बढ़िया स्कोर किया था, इनको भी लास्ट गेम में रेस्ट दिया गया था, तो इसलिए मुझे लग रहा है इनको भी खेलना चाहिए आज के मैच में, इसलिए मैं दोनों को लेकर जा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों यहाँ पे रिकी क्लार्क है, गुरकीरत सिंह मन है, दोनों भी ठीक ठाक ऑप्शन है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, ऐसे 3 प्लेयर हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे टेरगो, परेरा और डोन स्मिथ, तीनों के साथ मैं जा रहा हूँ। डोन स्मिथ सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं तो आप इनकी जगह किसी और बैटर को भी ले सकते हो, जैसे गुरकीरत सिंह मन को भी ट्राई कर सकते हो, स्टुअर्ट बिन्नी भी ठीक ठाक पे, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन मेरे पास 3 बॉलर है, हरभजन सिंह हो गए और ऐसे इमरान खान हो गए, दोनों मस्ट पिक हैं। कृष्ण मुखू भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी बॉलिंग करके जा रहे हैं, जिम्बाब्वे के बॉलर हैं। और यहाँ पे दोस्तों माइक लागेन हो गए, पवन सुहैल हो गए, आप लोगों को भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की। दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं ऐसे पीटर टेरगो और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने किया ऐसे थिसारा परेरा को, दोनों ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, दोनों का बैटिंग ऑर्डर वही रहता है 5-6 हुआ। लेकिन दोस्तों पीटर टेरगो ने लास्ट गेम में ही 2 ओवर डाले, उसके पहले लगातार 3 से 4 ओवर डाल रहे थे, वही परेरा भी 2-3 ओवर के आसपास बॉलिंग करते थे, बस इसी वजह से मैंने इन दोनों को CBC करा हुआ है। हालांकि दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन और है जिन्हें आप CBC कर सकते हो, अच्छा बैट्समैन है, यहाँ से आपको रॉबिन उथप्पा, लास्ट गेम नहीं खेले थे लेकिन ये क्वालिफायर का मैच है, तो मुझे लग रहा है रॉबिन उथप्पा को खेलना चाहिए, बस यही कारण है मैंने अपनी टीम में इनको रख लिया है। चांसेस हाई है खेलते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन यदि नहीं खेले तो हम टॉस के बाद चेंज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दोनों प्लेयर मणिपाल टाइगर्स को लास्ट मैच में नहीं खेलते, दोनों को रेस्ट दिया गया था क्योंकि इनकी टीम एक मैच पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी प्लेऑफ के लिए, लेकिन अभी इन दोनों को खेलना चाहिए, इस वजह से ये दोनों मेरी टीम में है। आप इन दोनों को GL में CBC करिएगा। बाकी मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के अंदर, स्मॉल लीग में आप ऑलराउंडर को ही CBC करेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बड़ा टीम मेरा स्मॉल लीग का ही है, इस टीम में तो मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा टॉस के बाद, तो फाइनल टीम मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फाइनल टीम वही मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, आपने जुड़ जाना है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर 25,800 ज्यादा दोस्तों ज्वाइन किया हुआ है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप से लिंक मिल जाएगा, वहीं फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।